हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी प्लस हिंदू एनालिसिस 3 और 4 अक्टूबर का देखेंगे एक साथ 2017। और नोट्स बनाने की चिंता एज़ यूजुअल मत करना, पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक हमारा जो एजुकेटर्स का व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है, चैट ग्रुप्स का लिंक है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम देते रहेंगे, और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो डिटेल्स होंगी प्रीलिम्स की, जैसे काफ़ी लोगों ने डाउट एक्सप्रेस किया है कि प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो वो सब वहाँ पर सॉल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी ग्रुप पर हम लोग एक स्पीड एंड इंटेलिजेंस चैलेंज जो है वो आज रात को 8 बजे आपका ऑर्गेनाइज होगा। इसमें आपके 50 प्रीलिम्स क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपका करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक का, और फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जो आपका इंडियन पॉलिटी का है उसमें से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये रात को 8 बजे आपके दोनों व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में पोस्ट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मेनली लड़कियों के लिए बनाया गया है, क्योंकि गर्ल्स को थोड़ा सा वो हेजिटेंट रहती हैं अपना नंबर वगैरह व्हाट्सएप पे शेयर करने से, तो इसीलिए ताकि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है ताकि वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें। और जो सारा डाटा व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा वही सारा डाटा टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 8 बजे ये क्वेश्चंस डाले जाएंगे, और जो कोई मैक्सिमम आंसर्स जो है वो सही करेक्टली आंसर करेगा और लीस्ट टाइम में आंसर करेगा उसको पेटीएम कैश दिया जाएगा ₹100 का। उसके नंबर पे उसको पेटीएम अकाउंट बनाना होगा अपना, और उस अकाउंट पे उसको पेटीएम कैश जो है ₹100 का दी एजुकेटर्स की तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और ये आपका जो टाइम रहेगा 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा, 10 बजे जो ये चैलेंज है वो क्लोज कर दिया जाएगा। तो आज करंट अफेयर्स देख लेते हैं, GS1 देख लेते हैं सबसे पहले। तो बक्शाली एंड जम्बू द्वीपा एंड इंडियाज़ रोल इन साइंस, तो एक ये लंदन म्यूज़ियम में एक एग्जीबिशन रखा गया था, ठीक है। तो वहाँ पे इंडिया के कुछ जो इंडिया ने साइंटिफिक लैंडस्केप में जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी उसको म्यूज़ियम में हाईलाइट किया गया था। तो जो एक चीज़ हाईलाइट हुई थी वो थी आपकी बाक्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये बाक्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली है क्या, इट इज़ अ मैथमेटिकल टेक्स्ट रिटन ऑन अ बर्च बाग, ठीक है। आपका बर्च बाग पे एक ये मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन है, मैथमेटिकल है। इसको 1881 में इट वॉज फाउंडेड इन ब्रिटिश रूल्ड विलेज ऑफ बाक्शाली। अब अभी का ये जो बाक्शाली विलेज है ये मारदान पाकिस्तान में है, ठीक है, इंडिया में नहीं है करेंटली, ठीक है, लेकिन उस टाइम अनडिवाइडेड इंडिया में था, तो वहाँ से आपका ये बाक्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट मिला है। अब इसकी रेलिवेंस क्या है, इस मैन्यूस्क्रिप्ट की रेलिवेंस क्या है, इसकी रेलिवेंस ये है कि इट कंटेन्स ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ओरिजन ऑफ द सिम्बल ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो जो हमने इंडिया ने जो कहा जाता है कि इंडिया ने खोज की थी ज़ीरो की, तो ये जो आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट है ये ओल्डेस्ट रिकॉर्ड रखती है ज़ीरो के ओरिजिन का, ठीक है। और जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट माना जाता है कि इट इज़ डेटेड बैक टू 3rd और 4th सेंचुरी, ठीक है, 3rd और 4th सेंचुरी, काफ़ी पुरानी है ये मैन्यूस्क्रिप्ट। इसको लंदन म्यूज़ियम में हाईलाइट किया गया था। दूसरी जो चीज़ हाईलाइट की गई थी इस म्यूज़ियम में वो थी 1817 वर्जन ऑफ जम्बू द्वीपा, ठीक है। आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड को हम जम्बू द्वीपा वर्ड यूज़ किया जाता है एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में, तो जम्बू द्वीपा जो ओल्डेस्ट मैप है 1817 जैन मैप भी जिसे बोलते हैं उसको हाईलाइट किया गया म्यूज़ियम में। और स्पेक्ट्रोमीटर जो आपके नोबेल प्राइज़ विनर सीवी रमन ने बनाया था, उसको 1928 में उन्होंने इन्वेंट किया था, डिज़ाइन किया था, उसको भी हाईलाइट किया गया इस म्यूज़ियम में। तो ये कुछ हाईलाइट्स थे इस म्यूज़ियम से जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली प्री में पूछा जा सकता है कि बक्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट की क्या रेलिवेंस है, ठीक है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ सकता है प्री में। जिस तरह के क्वेश्चन अब यूपीएससी से आ रहे हैं 3-4 साल के, तो आप ऐसी चीज़ों को ये सोच के कि इससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद रावणा इज रिवर्ड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब दोस्तों हम सब जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में दशहरा वाले दिन रावण की जो एफिगीज होती है, जो पुतले होते हैं, वो बनाए जाते हैं और उनको जलाया जाता है। लेकिन इंडिया के कहीं ऐसे पार्ट्स भी हैं जहाँ पे रावणा की वर्शिप की जाती है, ठीक है। बेसिकली ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और इनमें से एक ट्राइब है गोंड ट्राइबल्स, ठीक है, जो आपका छत्तीसगढ़ वाले रीजन में है। दे ऑफर हिम प्रेयर्स एज वन ऑफ द ग्रेट किंग, ठीक है, ये अपना एक महान राजा था इनके लिए जो रावण थे, ठीक है ना। और इन लोगों का बेसिकली जो ये कहना है गोंड ट्राइबल्स का कि रावणा वॉज अ ग्रेट किंग, ठीक है, लेकिन जो ब्राह्मिक कल्चर के लोग थे, जो ब्राह्मिक कल्चर के लोग थे और जो अपनी हेजेमनी बना के रखना चाहते थे ट्राइब्स के ऊपर, उन्होंने इस रावण को जो ट्राइबल्स का एक महान राजा था, उनके लिए बहुत एक महान आदमी था,
तो उसकी इमेज को इन ब्राह्मण्स ने विलीफाई करना शुरू कर दिया कि नहीं ये विलेनस है, और उसके बेस पे एक स्टोरीज बना दी। ये रामायण एंड ऑल को ये कहते हैं कि इन्होंने स्टोरीज बना दी और रावणा को विलीफाई कर दिया, जो असली में एक बहुत महान वॉरियर था, ठीक है ना। इसी वजह से ये जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो विलेज बॉडीज़ हैं, ये इनका सरकार को कहना है कि सरकार को एक रूल बनाना चाहिए जिससे जो ये रावणा की एफिगीज को जो बर्न किया जाता है हर साल, वो बंद होना चाहिए, कि भाई ये हमारे भगवान समान है और तुम पूरे हिंदुस्तान में इनके पुतले बनाकर उनको जला रहे हो, ये हमें बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद GS2 देख लेते हैं। एडमायरल सुनील लांबा, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एंड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ विजिट्स वियतनाम। तो अपना इंडिया वियतनाम के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप देख लेते हैं। जो कोई डील वील अगर साइन होगी सर के जाने से वहाँ पे, तो वो आगे के न्यूज़ में आ जाएगी, तो वो हम तब देख लेंगे। अभी हम देख लेते हैं इंडिया वियतनाम का। अब इतना हाई इंडियन डिफेंस फोर्सेज का ऑफिशियल जा रहा है वियतनाम में, तो कुछ तो रेलिवेंस होगी। तो क्या रेलिवेंस है, इंडिया वियतनाम के रिलेशनशिप को देख लेते हैं। तो हिस्टोरिकल जो लिंकेजेस हैं हमारे वियतनाम के साथ, वो तो काफ़ी मतलब सेंचुरीज पुराने हैं। हमारा ट्रेड रहता था, वो सब तो ठीक है, लेकिन इंडिया के आज़ाद होने के बाद जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने इस्टेब्लिश किए, वो अराउंड 1972 में इस्टेब्लिश किए। अब ये रिलेशनशिप्स जानना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर GS1 में, आपको GS2 में सॉरी आपका। तो आपको थोड़ा बहुत अपना जो कंट्री का जो पास्ट रिलेशनशिप रहा है, कैसे चला आया है और कैसे कैसे उसकी प्रोग्रेस हुई है, वो सब थोड़ा सा बैकग्राउंड ध्यान में रहेगा, तो आपको आंसर राइटिंग में जो है इजी रहेगा, ठीक है। हमने फिर डिफेंस कॉपरेशन भी, हमारा इंडिया और वियतनाम के बीच में काफ़ी अच्छा डिफेंस कॉपरेशन है, और उसका मेजर रीज़न चाइना है, क्योंकि चाइना जो है दोनों इंडिया और वियतनाम दोनों के लिए कंसर्न है। तो डिफेंस कॉपरेशन हमारा अच्छा है वियतनाम के साथ, और उसमें भी स्पेशल फोकस जो रहता है वो हमारा मेरीटाइम कॉपरेशन पे रहता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट इन साउथ चाइना सी एंड ऑल, ठीक है। दूसरी चीज़, फिर इंडिया ने प्रोटोकॉल भी साइन किया हुआ है वियतनाम के साथ, डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट जो हमने 1994 में साइन किया था, ठीक है। इस कॉपरेशन को फर्दर एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया गया था 2007 में। और अगर आप फर्दर देखें तो 2016 में ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, इसको फर्दर अपग्रेड करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया गया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स क्या होती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि डिफेंस से रिलेटेड कुछ पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आपका सब कुछ आ जाता है, इकोनॉमी भी आ जाती है, आपके ट्रेड लिंकेजेस भी आ जाते हैं, आपका टूरिज्म भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो 2017 की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 2016 में हमने कन्वर्ट करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर दिया, और इसी के चलते हमने एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट भी बनाई थी 2015-20 में, ठीक है, जो साइन की थी रिस्पेक्टिव डिफेंस मिनिस्टर्स ने। तो हमने एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऐसी बना दी। अब वियतनाम की जो नेवी है वो एक इंडियन एक नेवी एक्सरसाइज है जिसका नाम है मिलन, मिलन इंटर नेवी इंटरेक्शन है, जो पोर्ट ब्लेयर में ऑर्गेनाइज करती है इंडियन नेवी। तो वियतनाम की जो नेवी है वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है। अब मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं प्री में, जैसे एक बार हैंड इन हैंड पूछा गया था जो चाइना के साथ होती है, तो ये नेवल एक्सरसाइजेज या मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपके लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट, 58 किल्ड इन लास वेगास शूटिंग, ठीक है। तो इट वॉज अ इंसिडेंट वेयर अ लोन गनमैन ओपन्स फायर एट अ कंट्री म्यूजिक फेस्टिवल। तो एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, वहाँ पर एक अमेरिकन ने ही जो था फायरिंग ओपन कर दिया था, एक नियर बाय बिल्डिंग से उन्होंने अपने रूम से फायर ओपन कर दिया था। ही वॉज अ 64 ओल्ड ईयर वाइट मैन। तो ऐसा नहीं है कि जो भी क्राइम होता है वो सब इस्लाम या मुस्लिम्स का होता है। तो इट इज़ टर्म्ड बाई US पुलिस एज डोमेस्टिक टेररिज्म, डोमेस्टिक टेररिज्म का इसे टर्म दिया है। हालांकि IS जो है आपका इस्लामिक स्टेट जो ग्रुप है, उन्होंने इस टेरर अटैक को कहा है कि हाँ भैया हमने किया है, हमारे ही बंदे ने किया है, लेकिन US फेडरल एजेंसीज का ये कहना है कि इसमें IS का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो ये स्टीफन पेडॉक थे इनका कोई लिंक नहीं दिख रहा है किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो इसीलिए इसको टर्म किया गया है एज डोमेस्टिक टेररिज्म। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो फायर ओपन फायर की जो प्रॉब्लम है, ये US में कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये मास शूटिंग्स US में पहले भी होती आई हैं, ठीक है। और जब भी ऐसी कोई मास शूटिंग होती है तो लोगों का फिर से वही बात आ जाती है कि गन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब गन कंट्रोल क्या है, जो US का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेकेंड अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि हर US सिटीज़न के पास राइट है कि वो आर्म्स रख सके, वो आर्म्स अपने पास रख सके, ठीक है, ये उनका फंडामेंटल राइट है जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्रोवाइड करता है।
अब इसके अगेंस्ट लोगों का काफ़ी कुछ बोलना है कि नहीं, ये एक फंडामेंटल राइट आपने इसको बना दिया है जिसकी वजह से इजीली हर कोई अपने पास गन रख पा रहा है और उसी वजह से ये मास शूटिंग्स के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो अगर अब हम देखें तो US में कुछ 88 लोगों के पास पर 100 पीपल, अगर US में हम देखें कि हर 100 लोगों में 88 लोगों के पास गन है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन के पास जो है वो गन अवेलेबिलिटी है। अब आप इसका रिजल्ट देखें तो कुछ 30,000 पीपल जो हैं हर साल US में गन वायलेंस की वजह से मारे जाते हैं, ठीक है। अब इतनी इजी अवेलेबिलिटी हो गई है गन की, तो वायलेंस हो रहा है इस वजह से। अब इसमें से अगर आप हम इस 30,000 को डिवाइड करें तो 82 डेथ्स आपकी हर रोज़ की आती है, मतलब हर रोज़ 82 जो सिटीजन हैं, जो 82 लोग हैं US में, वो मर रहे हैं बिकॉज ऑफ गन वायलेंस। अब ज़्यादातर इनमें सुसाइड्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि इजी आपके पास है, आपको गन लगाया कंधे पे और दबा दिया, तो इजी एक आपको वे मिल गया है सुसाइड करने का, या अगर आप किसी से रिवेंज लेना चाहते हैं तो वो आपको इजी हो गया है। तभी जो मास शूटिंग्स के इंसिडेंट्स हैं वो रेगुलर इंटरवल पे हो रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले फ्लोरिडा में भी ये एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ अराउंड 49 डेथ्स हो गई थी, ठीक है। अब ये जो 58 लास वेगस में हुआ है, ये अभी तक का लार्जेस्ट डेथ टोल रहा है बिकॉज ऑफ मास शूटिंग, ठीक है। अब लोग अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मास शूटिंग को या गन कंट्रोल की बातें कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ, लोगों के पास गन होनी चाहिए, वो अच्छी चीज़ है। तो वैसे ही जो ये गन लॉबी है आपकी, जो गन मैन्युफैक्चरर्स हैं, या जो लोग कहते हैं कि नहीं, जो हमारा सेकेंड अमेंडमेंट जो राइट प्रोवाइड करता है वो बिल्कुल ठीक है, उनका ये कहना है कि अब दुनिया में बुरे लोग हैं, ठीक है, वो वायलेंस करते हैं, तो अगर हमें बुरे लोगों से वायलेंस अवॉइड करना है तो अच्छे लोगों के पास भी गन होनी चाहिए जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, वो ये रीज़न देते हैं। तो पहले कुछ अटैम्प्ट हुए हैं गन कंट्रोल रिफॉर्म्स लाने के, ऐसे 15 बार अटैम्प्ट किया गया है कि कुछ रिफॉर्म लेके आए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आए, लेकिन वो हमेशा से फेल होता गया है। वैसे ही ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपना जाते जाते, जब ओबामा प्रेसिडेंट हटने वाले थे उस टाइम पे 2015-16 के टाइम पे, उन्होंने एक अटैम्प्ट किया कि वो ये लूप होल्स जो हैं उनको क्लोज कर सकें, और इसी के लिए उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव एक्शन पास किया। इस एग्जीक्यूटिव एक्शन ने ट्राई किया कि वो कुछ जो है चीज़ें एक्सपैंड करें, जैसे कि बैकग्राउंड चेक के लिए इस एग्जीक्यूटिव एक्शन ने प्रोवाइड किया कि अगर हाँ भैया आपका राइट है गन ओनरशिप का, ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, ठीक है। फेडरल एजेंसीज़ की फंडिंग को बूस्ट करने की बात कर दी ताकि वो ऐसे ट्रैक कर सकें सबकी, किन किन लोगों को, किन किन लोगों ने गन परचेज़ किया है या किन किन के पास गन्स हैं, ताकि वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। और इम्प्रूविंग ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस नेशन वाइड। अब ये जो लोग हैं जो बंदूक लेकर निकल पड़ते हैं भीड़ में गोलियां चलाने, ऐसा माना जाता है कि इनकी दिमागी जो संतुलन है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर मेंटल हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव कर दी जाएंगी तो ऐसे लोगों को टारगेट करके हम इनकी हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव करके इन ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। और ये अभी तक इस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन क्यों नहीं हो पाया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट प्रोवाइड किया है इसको क्यों फर्दर अमेंड नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि काफ़ी हैवी लॉबिंग है। अब हैवी लॉबिंग कौन कर रहे हैं, नेशनल राइफल एसोसिएशन है जो US में, या जो गन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉबिंग कर रहे हैं इस के लिए अगेंस्ट। अगर अभी ये फंडामेंटल राइट ना रहा या गन इतनी इजीली सेल ना कर पाए ये लोग, तो इनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि अभी तक इसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन क्यों नहीं आ पाया। उसके बाद कोविंद राइव्स इन डिजी बाउटी, तो जो इंडियन प्रेजिडेंट हैं वो 4 डे विजिट पर गए हैं आपका डिजी बाउटी और इथियोपिया में। अब डीजे बाउटी की, उनकी विजिट की क्या इंपॉर्टेंस है कि पहली बार कोई इंडियन लीडर जा रहा है डीजे बाउटी, ठीक है, मिस्टर कोविंद पहले इंडियन लीडर हैं जो डीजे बाउटी जा रहे हैं। अब आपका डीजे बाउटी जो है वो स्ट्रेटेजिकली जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो गल्फ ऑफ एडन है, जो ऑयल रिच रीजन है, वहाँ पर लोकेटेड है। तो ये है आपका डीजे बाउटी, अगर आप यहाँ पे देखें छोटा सा, बॉर्डर करता है इथियोपिया को, एरिट्रिया को और सोमालिया को, ठीक है। यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करता है आपका बेबल मेंडेब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सी रूट स्ट्रेट है आपका बेबल मेंडेब, और इस पे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बेबल मेंडेब आपका कौन से दो सीज को कनेक्ट करता है, तो इट कनेक्ट्स रेड सी एंड अरेबियन सी वाया गल्फ ऑफ एडन, ठीक है ना। तो इसकी आपके लिए ज्योग्राफी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है आपका बेबल मेंडेब, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सौम्या स्वामीनाथन WHO डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल।
तो ये इंडियन स्वामीनाथन है, इनको अभी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। WHO ने अभी दो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल बनाए हैं, पहली बार ये पोस्ट क्रिएट की है WHO ने डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल को, और उन दो में से एक हमारे इंडिया में से हैं, स्वामीनाथन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द पोजिशन हाइएस्ट होल्ड पोस्ट हेल्ड बाय इंडियन इन WHO। ठीक है, तो जो ये डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट है, पहली बार किसी इंडियन को हाइएस्ट पोस्ट मिली है यहाँ तक कि WHO में। ठीक है, तो ये जो सौम्या स्वामीनाथन जी हैं, करेंटली आपकी डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। शी हैज़ ऑल्सो बीन मेंबर ऑफ सेवरल WHO एंड ग्लोबल एडवाइजरी बॉडीज, इंक्लूडिंग WHO एक्सपर्ट पैनल टू रिव्यू ग्लोबल स्ट्रैटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन, हेल्थ इनोवेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो पहले भी ये WHO से कनेक्टेड रह चुकी हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एडजस्ट बेस्ट फॉर स्वच्छता पखवाड़ा। तो आपको पता है ये स्वच्छता पखवाड़ा वाला जो सारी स्कीम चल रही है, तो इसको लॉन्च किया था सरकार ने 2016 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि फोर्टनाइटली इंटेंस फोकस जो है वो क्लीनलीनेस पे, स्वच्छता पे वो किया जाए बाय एंगेजिंग GOI मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इन देयर ज्यूरिसडिक्शंस। इसमें मेनली क्या होता था कि 14 दिन के लिए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को पूरा स्वच्छता के ऊपर फोकस करके, और जितना भी मिनिस्ट्री और उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें स्वच्छता का कंटेंट डाल के उसको प्रमोट करना है। ठीक है, तो एनुअल कैलेंडर दे दिया जाता था कि भैया कैलेंडर दे दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तुम्हें इन 14 दिनों के लिए स्वच्छता पखवाड़ा प्रैक्टिस करना है, उस टाइम पे तुम्हारा जितना मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्लीनलीनेस के लिए जो तुम कर सकते हो वो तुम्हें करना है। ठीक है ना, तो पहले से कैलेंडर रहता था तो सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को पता रहता था वो, और अकॉर्डिंगली प्लान कर लेते थे। फिर इस स्वच्छता पखवाड़ा को जो भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट उसे उस टाइम पे एंगेज होती थी उसमें, उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाता था। उसके लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम आपका बनाया गया था, स्वच्छता समीक्षा। ठीक है, जहाँ पे एक्शन प्लान, इमेजेस, वीडियो रिलेटेड टू स्वच्छता एक्टिविटीज़ वर अपलोडेड एंड शेयर्ड। ठीक है, और इस फोर्टनाइट के लिए जो भी मिनिस्ट्री स्वच्छता पखवाड़ा प्रैक्टिस कर रही होती थी उसे स्वच्छता मिनिस्ट्री कंसीडर किया जाता था। ठीक है ना, और इसी पूरे साल में जितनी भी मिनिस्ट्रीज ने स्वच्छता पखवाड़ा प्रैक्टिस किया उसमें जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो टॉप पर निकल के आई, और इन्हें जो है स्वच्छ भारत की जो 3rd एनिवर्सरी थी उस पर अवार्ड दिया गया। ठीक है ना, उसके बाद ये आपका एक एडिटोरियल था, तो एडिटोरियल देख लेते हैं। इसमें क्या था, जो थीम थी वो आपकी थी ग्रोइंग मेनेस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस का जो इंक्रीज ब्रेकआउट्स होते आ रहे हैं इंडिया में रेगुलर इंटरवल पे, तो उससे रिलेटेड जो था इस आर्टिकल को डिस्कस किया गया है। तो पहले बैकग्राउंड में मैम ने ये बताया कि H1N1 जो आपका इन्फ्लुएंजा है ये 2009 के अराउंड इंडिया में आया है। ठीक है, जब पेंडेमिक हो गया था H1N1 इन्फ्लुएंजा तब इंडिया में भी आ गया, और उसी टाइम पे पहली बार 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा इंडिया में आया। और इस H1N1 इन्फ्लुएंजा का जो मैक्सिमम हमें आउटब्रेक और मैक्सिमम जो हमें डेथ्स देखने को मिली वो 2015 में देखने को मिली। ठीक है, 2009 में आ गया और तब से एनुअली इसके आउटब्रेक्स हो रहे थे, लेकिन जो मैक्सिमम आपकी डेथ्स रिपोर्ट हुई वो 2015 में हुई। लेकिन 2016 के डाटा ने दिखाया कि काफ़ी जो डेथ्स थी वो लो हो गई। अब ये एकदम से इतना लोअर नंबर ऑफ डेथ्स कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी हेल्थ फैसिलिटीज एक साल में इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई कि डेथ्स बिल्कुल कम हो गई। इसकी प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा ऑफिशियल डाटा है वो सिर्फ H1N1 फिगर्स को कैप्चर करता है, जो आपका H1N1 टाइप है ना इन्फ्लुएंजा का, ये सिर्फ उसको कैप्चर करता है। और हमने देखा कि इंडिया में 2009 में ये इन्फ्लुएंजा आया, लेकिन 2009 से पहले भी इन्फ्लुएंजा के जो दूसरे स्ट्रेन्स थे, जो दूसरे वेरिएंट्स थे वो इंडिया में प्रेजेंट थे, जैसे कि आपका H3N2 इन्फ्लुएंजा हो गया या इन्फ्लुएंजा बी वायरस हो गया, ये पहले से इंडिया में थे। लेकिन H3N2 जो आपका कैपेबल है कि वो भी काफ़ी बड़े आउटब्रेक्स कर सकता है इक्विवेलेंट टू H1N1, उसको प्रॉपरली ट्रैक नहीं किया जाता है इंडिया में, जिसकी वजह से 2016 का जो डाटा है वो भी कम डेथ शो करता है, क्योंकि हम सिर्फ ज़्यादा हमारा फोकस H1N1 से रहता है। H1N1 से माना है कि डेथ्स कम हुई हैं, लेकिन H3N2 से भी काफ़ी डेथ्स होती हैं जिसको हम प्रॉपरली और एक्सटेंसिवली कवर नहीं करते हैं। अब ठीक है, चलो पुअर ट्रैकिंग कर ली, तो पुअर ट्रैकिंग से का क्या नुकसान क्या होता है पुअर ट्रैकिंग का? अब पुअर ट्रैकिंग का नुकसान ये होता है कि आपके पास सैंपल्स कम होते हैं। ठीक है, अब आपके पास सैंपल कम होंगे तो आपको वायरल जीनोम्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी कि क्या क्या जो जेनोमिक जो स्ट्रक्चर है वायरल का वो क्या है,
उससे क्या होगा, जो म्यूटेशंस रेगुलरली हो रही हैं वायरस के अंदर, उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि जो वायरस होता है उसमें रेगुलरली म्यूटेशंस होती रहती हैं, उसमें रेगुलरली चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी करंट मेडिसन्स हैं वो आने वाले वायरस जीनोम्स पे क्या पता फेल हो जाएं, ठीक है ना। तो हमें रेगुलरली पता होना चाहिए कि क्या म्यूटेशंस आ रही हैं, जिससे हमें वायरस की लिथैलिटी के बारे में पता चलता रहे। तो अगर हमारे पास सैंपल्स ही नहीं होंगे, प्रॉपर ट्रैकिंग ही नहीं होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं या वायरस मोर लीथल हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ जो इंडिया में प्रॉब्लम आ रही है वो पुअर वैक्सीनेशन की आ रही है। अब ये पाया गया है कि जो वैक्सीनेशन है, जैसे कि आपकी एक वैक्सीनेशन है ओसलटेमिविर, ठीक है, ये काफ़ी हद तक हमें हेल्प कर सकती है टू फाइट अगेंस्ट दिस मैनेस। लेकिन ये जो मेडिसन है ये आपका वर्क करती है अगर आप इसे पहले बीमार होने से पहले, अगर आप जैसे हम पोलियो वैक्सीनेट करते हैं ना, वैसे ही अगर हम रेगुलरली ओसलटेमिविर को वैक्सीनेट करें लोगों को, स्पेशली टू दी हाई रिस्क ग्रुप्स लाइक प्रेग्नेंट वुमेन एंड डायबिटिक्स को अगर हम ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें, नॉट वेटिंग देम टू फॉल इल, ठीक है, उनके वायरस के कॉन्टैक्ट में आने से पहले अगर हम उन्हें वैक्सीनेशन दें तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उन्हें इन्फ्लुएंजा वायरस हो। लेकिन ये मेडिसन आपकी तब कोई हेल्प नहीं कर पाएगी अगर बंदा इफेक्ट हो चुका है वायरस से। तो ये प्रिवेंटिव एक मेडिसिन है आपकी, प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन है, जिसको सरकार को फर्दर प्रमोट करना चाहिए, स्पेशली हाई रिस्क ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें इतना ही था हमारे लिए जानना। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैन इंडिया प्रोटेक्ट रोहिंग्या एस सी आस गवर्नमेंट। तो हमने पिछले कुछ एक हफ्ते में देखा है कि ये रोहिंग्यास का इशू चल रहा है, तो अब हेयरिंग चल रही है, क्योंकि कुछ रोहिंग्यास ने सुप्रीम कोर्ट में डाला था कि जो गवर्नमेंट डिपोर्टेशन की बात कर रही है, कि जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं इंडिया में उनको डिपोर्ट करने की बात कर रही है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कि हमारा आर्टिकल 21 वॉयलेट हो जाएगा। उन्होंने भी ऐसा कुछ कहा था, क्योंकि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को नहीं, फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जो सरकार का क्लेम है उसको रबिश करते हुए कहा, क्योंकि सरकार ने कहा था कि अगर रोहिंग्यास जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे तो ये जो इंडियन सिटीजन्स को रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए वो खा जाएंगे, ठीक है, जो इंडियंस को हमें सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, जो इंडियंस के ऊपर हमें खर्चा करना है, वो इनके ऊपर खर्चा होने से हमारा रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, तो हम अपने सिटीजन्स के ऊपर कम खर्च कर पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भैया, क्योंकि जो हमारा संविधान है ना वो ग्रुप राइट्स की बात करता है, ना कि इंडिविजुअल राइट्स की। आप ये नहीं कह सकते कि एक इंडियन सिटीजन का राइट वॉयलेट हो जाएगा अगर हम एक ग्रुप को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो पॉइंट था सरकार का वो खर्च कर दिया बिल्कुल तरीके से। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 है वो सिर्फ, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियंस का राइट प्रोटेक्ट नहीं करता, वो सब लोगों का राइट प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर्स हो। अब फॉरेनर्स में आपके रेफ्यूजीज भी आ जाते हैं, तो आर्टिकल 21 अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है उनका, तो इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये तो फंडामेंटल राइट पे बात आ गई, ठीक है। तीसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि इंडिया की जो हिस्ट्री रही है उसमें हम हमेशा से बर्डन शेयर किया है हमने अपने नेबरर्स का, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमने प्रोवाइड किया है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल दिया जब नेपाल अर्थक्वेक आया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये सवाल पूछा कि चलो आप रोहिंग्या कम्युनिटीज़ को डिपोर्ट करने की बात कर रहे हो, लेकिन क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स क्या हैं, बच्चों को लेके, औरतों को लेके, बीमार लोगों को लेके, ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं उनको लेके क्या हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है। तो अब इस सब इशू पे डिस्कशन होगी सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग में, तब हम देख लेंगे क्या आएगा। अभी एक डाटा पॉइंट था, फूड फॉर थॉट। तो आपकी जो रिपोर्ट है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट एंड न्यूट्रिशन, एक रिपोर्ट होती है ये निकाली है आपकी, ये निकालता कौन है, FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP एंड WHO ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है। तो इंडिया से रिलेटेड कुछ ये डाटा है, प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट इन द टोटल पॉपुलेशन, प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग इन चिल्ड्रन, प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी इन अडल्ट पॉपुलेशन, प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया अमंग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। तो ये सारा देख लेना, ये आपको काफ़ी प्री में कहीं मेंस में कहीं पे आंसर में कुछ डाटा वगैरह कोट करना हो तो वहाँ पर आपको हेल्प कर सकता है। उसके बाद GS3 देख लेते हैं। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का थोड़ा सा परफॉर्मेंस बताया गया है, जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस होता है। तो अपने लिए मेनली जानना क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं
इनका बेस ईयर होता है आपका 2011-12, ठीक है। बेस ईयर याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है बेस ईयर, ठीक है। आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, और इनके आपको रिस्पेक्टिव वेट्स भी पता होने चाहिए कि इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में आपका सबसे ज़्यादा वेट कौन सी इंडस्ट्री का है। ये डायरेक्टली 2 बार प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ चुका है जिसमें आपको पूछा गया था, डायरेक्टली ये पूछा गया था कि एक में आपका एक बार क्वेश्चन आया था शायद 2014 में, उसमें आपको अरेंज करने को बोला गया था इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दी वेट्स, ठीक है। तो वेट्स आपको देखने हैं, जैसे कि आपका जो सबसे ज़्यादा इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में वेट रहता है वो आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का रहता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आपका आ जाता है स्टील, उसके बाद आपका आ जाता है कोल, फिर आपका आ जाता है क्रूड ऑयल, ठीक है ना, उसके बाद आपका आ जाता है नेचुरल गैस, फिर सीमेंट और फिर फर्टिलाइजर्स। तो ये आप देख लेना, ये याद कर लेना अच्छे से। ये वैसे अप्रैल अगस्त का आपको पूरे साल का देखना होता है, पूरे साल का भी मोर और लेस ये सेम ही रहता है, ठीक है ना। और जो इस साल का जो क्वार्टर था अप्रैल टू अगस्त 2017-18 का, वो अगर हम देखें तो पिछले साल के 2016-17 के क्वार्टर से इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ने अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो विटनेस की है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें तो नेचुरल गैस सेक्टर ने भी विटनेस की है, कई सेक्टर्स ने नेगेटिव ग्रोथ भी विटनेस की है, जैसे कि आपका जो सीमेंट सेक्टर है उसने नेगेटिव ग्रोथ विटनेस की है। तो ये सब अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो एनुअल डाटा जो इकोनॉमिक सर्वे में आता है वो देख लेना। मेनली जो मेरा पर्पस था, एक तो आपको बताना कि आपका बेस ईयर 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का ये रहता है, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ आपकी ये हैं और इनके वेट के अकॉर्डिंगली इन्हें आपको पता होना चाहिए कि किसका वेट ज़्यादा है और किसका वेट कम है शेयर में। चाइना वैल्यू चेन क्लाइम टू हेल्प इंडिया अदर्स, फिच। तो आपकी ये जो फिच रेटिंग्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अभी ये बोला है कि चाइना में पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वेज जो है वो चाइना में इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो इस मैन्युफैक्चरिंग वेज के इंक्रीज़ करने की वजह से जो चाइना का जो चीप लेबर एडवांटेज था, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ऊपर से जो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो एज भी कर रही है, तो चाइना का जो लेबर का जो एडवांटेज था, जो चीप लेबर एडवांटेज था, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसकी वजह से चाइना को अब लोअर एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो लोअर एंड प्रोडक्ट्स थे जो सस्ते में चाइना प्रोडक्ट बना देता था बिकॉज ऑफ चीप लेबर, वो अब हाइयर वैल्यू चेन पे जाएगा, चाइना हाइयर वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाएगा क्योंकि उन्हें वेजेस पे करनी है। अब वेज डिमांड जो है वो चाइना के लोगों की बढ़ गई है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी को आपने छोटे से काम के लिए अपॉइंट कर दिया और उसको थोड़ी सी वेज दे दी, तो उससे ये सिनेरियो जो है वो चाइना में अब चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इससे एडवांटेज जो है वो बाकी एशियन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया या बांग्लादेश, वियतनाम, ऐसी कंट्रीज़ को है। इंडिया में जिसके पास अभी हम देखते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा है, हमारी यंग पॉपुलेशन वो है काफ़ी ज़्यादा है, तो इंडिया जैसी कंट्रीज़ के पास अब एक ये एडवांटेज है कि वो अपनी इस लेबर एडवांटेज का फ़ायदा उठाएं, और जो एडवांटेज, जो चीप लेबर एडवांटेज पहले चाइना उठा रहा था, वो अब इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम जैसी कंट्रीज़ उठाएं, ठीक है ना। अगर अब हम देखें तो सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है लो एंड मैन्युफैक्चरिंग में चाइना में, ठीक है। ये कहाँ से प्रूव होता है? चाइना का जो ग्लोबल शेयर था एक क्लोथिंग और फुटवेयर एक्सपोर्ट में, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 40% था 2014 में आपका, 2010 में वो था 34%, और वो इंक्रीज होके 2014 में 40% हो गया, लेकिन अब ये डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है। ये कहाँ से हमें पता चलता है? ये हमें पता चलता है क्योंकि हमने विटनेस किया है कि 10% जो चाइना का एक्सपोर्ट है इस सेक्टर में डिक्लाइन कर गया है, और बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो क्लोथिंग और फुटवेयर सेक्टर में अब अपनी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड्स बना रहे हैं। वो हमें पता चलता है क्योंकि 8% ग्लोबल क्लोथिंग और फुटवेयर जो एक्सपोर्ट हुआ है 2015 में, वो इन कंट्रीज़ में से हुआ है। अब इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे वियतनाम और बांग्लादेश फटाफट से अपना फुटहोल्ड्स और फुटवेयर और क्लोथिंग सेक्टर में अपने फुटहोल्ड्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वैसे इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने टेक्सटाइल सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आए, नहीं तो वो अब इंडिया, बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज से लूज कर जाएगा इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद मेटेराइट्स फॉलिंग इनटू पॉन्ड्स स्पार्क लाइफ, तो ये ओरिजिन ऑफ लाइफ आपसे कभी कभार साइंस एंड टेक में मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप कुछ कोट कर सकते हो। तो साइंटिस्ट ने अभी ये बोला है कि कुछ 3.7 to 4.5 बिलियन एगोज ईयर्स अगो एक मेटेराइट शावर हुआ था अर्थ में, ठीक है। तो उस मेटेराइट शावर्स की वजह से जो मेटेराइट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आए थे, और वो मेटेराइट्स अर्थ के ओशंस और पॉन्ड्स और लेक्स में जाकर गिरे, तो उन मेटेराइट्स में
कुछ ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ थे जिनकी वजह से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ अर्थ के ऊपर। बेसिकली ये आइडिया जो है इसमें डिस्कस किया गया है, आपको इतना ही पता होना चाहिए। एक लाइन में अगर आपको कहीं पे साइंस एंड टेक में ओरिजिन ऑफ लाइफ पे कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो एक लाइन में कोट कर देना कि मीटोराइट शावर हुआ था, मीटोराइट शावर में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे, कुछ ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जिन्होंने हेल्प किया इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। ज़्यादा साइंस में घुसने की कोशिश मत करना ये वाले एरिया में, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अब नोबेल प्राइजेस का थोड़ा सा दौर चल रहा है तो देख लेते हैं नोबेल प्राइजेस कैसे कैसे हैं। तो फिजियोलॉजी में जो नोबेल प्राइज़ मिला है ये तीन महानुभावों को मिला है हमारे, आपके माइकल रॉसबैश, जेफरी सी हॉल और माइकल डब्ल्यू एन, तीनों जो हैं आपके अमेरिकन हैं। किसी लिए मिला है इन्हें अवार्ड, ये वो मिला है टू डिस्कवर द मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग द सिर्केडियन रिदम। अब आपका सिर्केडियन रिदम क्या कहता है? सिर्केडियन रिदम आपका ये कहता है कि जैसे अर्थ का रेवोल्यूशन रेगुलेटेड है ना, ठीक है, दिन और रात होती है, वैसे ही इंसान की स्लीपिंग साइकिल का भी जो रेवोल्यूशन है, जो स्लीपिंग साइकिल है इंसान की, वो भी अर्थ के रेवोल्यूशन के हिसाब से लिंक्ड है, ठीक है। रात को आपको सोना है और दिन में आपको जागना है, ठीक है, वो लिंक्ड है। और अगर हम इस सर्केडियन साइकिल को फॉलो नहीं करते, इट रिजल्ट्स इन वेरियस डिजीजेस, हमारी शरीर की इम्यूनिटी कम होनी शुरू हो जाती है इसकी वजह से। और उसी के लिए इन्होंने एक क्लॉक बनाई है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, ठीक है। अगर आप इस क्लॉक को देखें तो अराउंड 6 बजे जो आपका मॉर्निंग में 6 AM का टाइम होता है, उस टाइम पे आपका कार्टिसल रिलीज होता है, ठीक है, ये आपका एक हार्मोन होता है। 10 बजे तक आते आते आपका जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें फास्टेस्ट इंक्रीज आप विटनेस करते हो, ठीक है। और 11 बजे का जो टाइम होता है आपका हाईएस्ट अलर्टनेस का होता है। तो जिन लोगों को अखबार पढ़ने में थोड़ी सी नींद वींद आती हो ना, या करंट अफेयर्स पढ़ने में नींद आती हो, तो 11 बजे का टाइम रख लो भैया, हाईएस्ट अलर्टनेस होती है उस टाइम पे। 1 बजे आपकी कोऑर्डिनेशन जो होती है वो बेस्ट होती है। तो कोऑर्डिनेशन बेस्ट होती है तो जो लोग आंसर नहीं लिख पाते ना चीज़ों को लिंक करके, वो 1 बजे आंसर लिखना शुरू कर दो यार, 1 बजे कोऑर्डिनेशन बेस्ट हो जाएगी, मैक्सिमम अपना लिंक करके आंसर लिख पाओगे, ठीक है ना। फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम जो होता है वो आपका 2-3, 2-2.5 बजे के अराउंड में आपका जो रिएक्शन टाइम होता है वो फास्टेस्ट होता है, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए रख लो। और 6 बजे तक आते आते आपका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो हाईएस्ट हो जाता है, ठीक है, हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर आपकी जो बॉडी होती है वो विटनेस करती है। जब तक आप 10 या 11 बजे के टाइम तक पहुंचते हो तब तक आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर हो जाता है वो हाईएस्ट हो जाता है, और 11 बजे तक पहुँचते पहुँचते आपकी बॉडी जो है वो मेलेटोनिन सिक्रीट करती है। मेलेटोनिन आपका एक हार्मोन होता है, ठीक है, इसको स्लीपिंग हार्मोन भी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ दिस हार्मोन आपको नींद आती है, और ऐसा कहा जाता है कि ये हार्मोन डार्कनेस के टाइम पर जो है रिलीज होता है। अगर आप लाइट जला के रखोगे ना कमरे में तो ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा अच्छे से, तो अंधेरा करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो आपका फिर 2-2.5 बजे का टाइम है वो आपकी डीपेस्ट स्लीप का टाइम है, और 3 बजे तक आते आते आपकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लोएस्ट हो जाता है, तभी हमको रात को जो है ठंड लगती है, ठीक है ना। तो इन लोगों ने ये चीज़ डिस्कवर की है, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी मिला है। नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स जो है वो भी 3 लोगों को मिला है। ये तीनों भी जो है आपके यूएस से ही हैं, रेनर वेस, बैरी सी बैरिश और किप सी थ्रॉन, ठीक है। इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है आपका ग्रेविटेशनल वेव जो रिपल्स होते हैं ना स्पेस में, उसको डिस्कवर करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। इन ग्रेविटेशनल वेव्स को 101 साल पहले आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है ना। लेकिन आइंस्टाइन ने सिर्फ इन्हें प्रेडिक्ट किया था, इन्हें पहली बार डिटेक्ट किया गया था 2015 में, ठीक है, जब लीगो ने इन्हें डिटेक्ट किया था, तो 2015 ने इन्हें डिटेक्ट किया था। अभी आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स बेसिकली आपका एक बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा वायलेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, जब दो ब्लैक होल्स या कोई भी स्टेलर बॉडीज़ जो हैं वो आपस में कोलैप्स कर जाती हैं अर्थ से काफ़ी दूर, काफ़ी काफ़ी लाइट ईयर्स दूर, जब वो बॉडीज कोलैप्स करती हैं तो उनके कोलैप्स करने से स्पेस में रिपल्स जनरेट होते हैं, और वो रिपल्स जो हैं वो काफ़ी टाइम बाद अर्थ तक पहुंचते हैं, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स। और इन रिपल्स को पहली बार डिटेक्ट किया गया था 2015 में, ठीक है, आपका जो ग्रेविटेशनल वेव जो लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है लीगो, इन्होंने इसको
ट्रैक किया था। और ये जो वेव्स थी, ये ऐसा नहीं था कि आज कोलैप्स हुआ कल अर्थ के पास पहुंच गई, इन्होंने 1.3 बिलियन ईयर्स लिए अर्थ तक पहुंचने में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कितना डिस्टेंस होगा। तो इसके लिए इन तीन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लेना अपडेट्स के लिए, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं रात को 8 बजे 50 क्वेश्चन चैलेंज में। थैंक यू वेरी मच।